कांग्रेस वालों बीजेपी से पलट वार किया गया। दस दईए कि भाजपा ने बिहार दे विच जितने तो बाद पंजाब दे विच आउण दी गल कीती सी। पंजाब दे विच बीजेपी सरकार लियाउण दे मामले ते बोलदे हुए डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि बीजेपी पंजाब विरोधी है अते पंजाब दे लोकां नूं बीजेपी ने तकलीफ दित्ती है। लोग कदे भी बीजेपी नूं माफ नहीं करनगे। उन्होंने कहा कि 2022 दे विच बीजेपी दीआं जमानतां जब्त होणगीआं। डॉक्टर राजकुमार वेरका ने आम आदमी पार्टी दे भगवंत मान नूं भी निशाने ते लिया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान केंद्र दी चमचागिरी बंद करके पंजाब दी गल कर। उन्होंने कहा कि मान बीजेपी वल जाण दी कोशिश कर रहे ने। सनी देओल दे मामले ते बोलदे हुए डॉक्टर वेरका ने कहा कि सनी देओल मुंबई दे विच बैठ के महज गल्लां कर रहे ने। उन्होंने नूं चाहिदा है कि ओह किसानां दा साथ देण। भैया मैंने आपको कई बार कहा है कि जिनका कोई गोत्र नहीं उनका कछल गोत्र, जिनको पंजाब में कोई पूछ नहीं रहा, गांव में कोई जाने नहीं दे रहा और घर घर में उनका विरोध हो रहा हो, पंजाब के लोग उन्हें बागी और विरोधी और पंजाब के खिलाफ कहते हो, वो कह रहे कि हमने सरकार बना लेनी है। भैया दो सीटें आपके पास है और आपकी जमानतें जब्त होनी है और ये पंजाब है और पंजाब के लोग खुदार हैं। पंजाब को आपने तकलीफ दी है, पंजाब को आपने नुकसान पहुंचाया है, पंजाब के खिलाफ साजिश की है, तो पंजाब के लोग अपने दुश्मन और साजिश करने वालों को कभी माफ नहीं होंगे। 2022 में बीजेपी की जमानतें जब्त होगी। भैया भगवंत मान को पंजाब की बात करनी चाहिए, ये केंद्र की चिमचागिरी बंद करनी चाहिए और उन्हें पता है ये खेती कानून केंद्र ने अमेंड किए हैं, ये केंद्र के कानून है और केंद्र के खिलाफ हम सबको बात करनी चाहिए, केंद्र के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। लेकिन भगवंत मान मुझे लगता है कि उनका आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो रहा है, वो बीजेपी की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया सनी देओल जी, आप मुंबई में बैठ करके आप वहां बैठ के बातें कर रहे हो, आपने कब किसानों का दर्द दुख जानने के लिए पंजाब में आए हो? आप पंजाब के एमपी हो, पंजाब के लोगों ने आप करके चुनके भेजा है, आपने अपनी ड्यूटी कहां निभाई है? आपको चाहिए कि बीजेपी के तमाम पंजाब के नेताओं को साथ लो, किसानों के साथ जाओ, वहां जा करके मोदी साहब से बैठ के बात करो और वो बिल वापस करवा के आओ। अगर किसानों की बातें बीजेपी नहीं मानती तो आप सबको इस्तीफे देने चाहिए, बीजेपी को छोड़ देना चाहिए, या किसानों की बात माने या इस्तीफे दें।